गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ओ लेवल स्टडी अड्डा। ओ लेवल स्टडी अड्डा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अरुण तिवारी, आज इसी श्रृंखला में आज एक और क्वेश्चन पेपर लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो क्वेश्चन पेपर है ये पूरी तरह से न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर आधारित है। आईटी टूल्स के अंदर जो न्यू टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर आधारित है। इसमें सोशल नेटवर्किंग और आपका न्यू टेक्नोलॉजीज इन आईटी टूल्स, इन दोनों पे ही हमारा आज का पूरा क्वेश्चन पेपर आधारित है। ये मॉडल पेपर हमारा पांचवा मॉडल पेपर है। अभी तक तो चार मॉडल पेपर थे, इस पर आप लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया, हमें बहुत सारे व्यूज मिले, कुछ लोगों के फीडबैक्स भी मिले। जैसे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर, हालांकि उन्होंने कमेंट करके नहीं कहा, मुझसे पर्सनली मिलके कहा कि इसमें शायद साउंड की प्रॉब्लम थी, तो कोशिश की है मैंने इस बार साउंड की जो प्रॉब्लम थी उसको दूर करने की। उम्मीद करता हूँ कि हमारी वो स्टूडेंट, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो स्टूडेंट है दृष्टि, तो दृष्टि की यह शिकायत इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने दूर करने की कोशिश की है। बस इसी प्रकार आप अपने जो शिकायतें हैं, सुझाव हैं, हमें देते रहिए और हम कोशिश करेंगे उसमें इम्प्रूवमेंट करने की। देखते हैं हम कितना इसमें सफल हो पाते हैं। तो दोस्तों, जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं उनसे हमारा निवेदन हमेशा की तरह वही है, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें, बीच में कोई स्किप ना करें और एक्सप्लेनेशंस को सुने। जब मैं किसी आंसर को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो उसको सुने, और अगर आप नहीं सहमत हैं तो आप प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड विदाउट वेस्टिंग माय टाइम, लेट अस स्टार्ट टू सॉल्विंग द क्वेश्चन। अपने प्रश्न को सॉल्व करने की ओर चलते हैं। जैसा कि हमेशा है, इसमें भी वही चार सेक्शंस होंगे। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दूसरा आपका ट्रू एंड फॉल्स, तीसरा आपका मैच द कॉलम्स और चौथा आपका फिल इन द ब्लैंक। सब में 10-10 क्वेश्चन होंगे, तो कुल मिलाकर 40 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, इंक्लूडेड इन इंटरनेट थिंग्स, इनमें से कौन सी चीजें इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सम्मिलित हैं? पहला सॉफ्टवेयर, दूसरा सेंसर एंड एक्चुएटर्स, तीसरा वाईफाई टेक्नोलॉजीज और चौथा ऑल ऑफ द अबव। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारे लाइफ में बहुत तेजी से चेंज लाने वाली टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे हमारे घर की रोजमर्रा की जरूरत वाली चीज़ें भी अब स्मार्ट होकर के आपस में कनेक्टेड होंगी और मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन से वो अपना काम कर सकेंगी। तो ऐसे सिस्टम में हमें वाईफाई टेक्निक्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि नेट के थ्रू ही हमारे क्या होंगे, कनेक्टिविटी होंगी। दूसरा सेंसर्स चाहिए और एक्चुएटर्स चाहिए। सेंसर हमारे एनवायरनमेंट में सेंस करके डेटा को कलेक्ट करेंगे और एक्चुएटर्स प्रोसेसिंग के बाद उस रिजल्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। साथ ही साथ हमें एक सॉफ्टवेयर भी चाहिए जो इस कलेक्टेड डेटा को प्रोसेस कर सके। तो इस हिसाब से ये तीनों आवश्यक हैं, तो सही आंसर होता है ऑल ऑफ द अबव। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, दिस इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ बिग डेटा एनालिसिस, इनमें से कौन सा बिग डेटा एनालिसिस का लाभ नहीं है? पहला फास्टर एंड बेटर डिसीजन। देखिए भाई, बिग डेटा एनालिसिस का ये एक बहुत बड़ा लाभ है कि हम अपने डिसीजन बेटर ले सकते हैं और जल्दी ले सकते हैं। दूसरा है कॉस्ट रिडक्शन, ये भी इसका एडवांटेज है। मैनेजमेंट ऑफ डेटा, बिल्कुल ये मैनेजमेंट ऑफ डेटा इसका काम नहीं है, तो
सही आंसर इसका है सी, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ डेटा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विच इज अ बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एडवांटेज है, लाभ है? लो कॉस्ट, फास्ट स्पीड, मोर सिक्योर, ऑल ऑफ द अबव। क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारा जो डेटा वो किसी एक नेटवर्क पे होगा, रिमोट कंप्यूटर पे होगा, और वो कभी भी कहीं भी हमें अवेलेबल होगा, किसी भी समय वो हमें उपलब्ध होगा। बस हमें एक इंटरनेट और एक डिवाइस जिसपे इंटरनेट एनेबल्ड होना चाहिए उसकी आवश्यकता पड़ेगी अपने डेटा को एक्सेस करने के लिए। और साथ ही साथ वहां पे अब कम प्रोसेसिंग की भी सुविधा क्लाउड पे हमें मिलेगी। तो इसका एडवांटेज, लो कॉस्ट, क्योंकि हमें बहुत बड़े सर्वर्स की आवश्यकता नहीं होगी, वो कहीं और है, हमें केवल उसका एक किराया देना है। फास्ट स्पीड, आजकल टेक्नोलॉजीज ऐसी बढ़ गई हैं कि जिसमें हमारा जो सर्वर होंगी उसकी हाई स्पीड होगी, हमें केवल एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन की आवश्यकता है, तो इस पर हमें स्पीड भी अच्छी मिलती है। मोर सिक्योर, इस पर सिक्योरिटी रहती है, हालांकि डेटा रिस्क पे रहता है बट यहाँ पर सिक्योरिटी भी अच्छी होती है। एंड इसका मतलब तीनों है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोबाइल सोशल मीडिया, इनमें से कौन सा मोबाइल सोशल मीडिया है, मोबाइल के ऊपर सोशल नेटवर्किंग मीडिया है? अब देखिए विकल्प दिया है, फेसबुक ये है, इंस्टाग्राम ये भी है, ट्विटर ये तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है सेलिब्रिटीज के मध्य, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों है, इसका मतलब सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंक्लूडेड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या सम्मिलित है? ए नॉलेज, बी प्लानिंग, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द अबव। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा साइंस है जिसमें हमारे पास नॉलेज का ढेर सारा कलेक्शन होगा, किसी एक पर्टिकुलर डोमेन से संबंधित ढेर सारा नॉलेज होगा, और उसको इंटरप्रेट करने के लिए कोई सिस्टम होगा जिसे हम लोग कहते हैं इंफरेंस इंजन, और साथ ही साथ हमारे पास क्या होंगे, कुछ प्लान्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इन नॉलेज को प्रोसेस करके नया इंफॉर्मेशन, नया नॉलेज क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट, इंफरेंस निकाल सकते हैं और नए नॉलेज को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं बोथ ए एंड बी, इसका सही आंसर होना चाहिए सी, बोथ ए एंड बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फॉर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, सिक्योर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डेटा को आपस में इंटरचेंज करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? TCP/IP ये प्रोटोकॉल है, MIME ये भी एक प्रोटोकॉल है, S/MIME एंड नन ऑफ द अबव। देखिए MIME ये हमारा डेटा एक्सचेंज के लिए प्रोटोकॉल है बट ये सिक्योर नहीं है, जब भी सिक्योर होता है उस पर एस लग जाता है, S/MIME। तो सही आंसर है इसका S/MIME यानी कि सी। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बेनिफिट्स ऑफ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इज, हमारे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के जो लाभ है वो क्या है? पहला है बेटर कस्टमर सर्विस, जाहिर सी बात है RPA से हम अपने कस्टमर को बेहतर संतुष्ट कर पाते हैं। एम्प्लॉय, हम अपने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, यानी कि अब वो कम समय में ज्यादा और बेहतर कार्य कर सकते हैं। तीसरा, रैपिड प्रोसेस कंप्लीशन,
हमारे जो काम होंगे वो जल्दी खत्म होंगे, तभी उस पर अच्छा स्पीड मिलता है, तभी हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो इसका तीनों ही सही है, अर्थात ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर होना चाहिए, डी ऑल ऑफ द एबव। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आठवां, व्हाट आर थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी के तीन बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? पहला कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी, दूसरा कंट्रोल इंटेलिजेंस एक्शन, तीसरा सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, और चौथा कॉन्फिडेंस इंटीग्रिटी एक्शन। देखिए इसका सही आंसर है कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर आप सिक्योरिटी चाहते हैं तो चीज़ों को गोपनीय रखें, लोगों तक पहुंचने ही न दें, जितना कम से कम लोगों तक जाएगा आपका मैसेज वो उतना ही ज़्यादा सुरक्षित होगा। दूसरा इंटीग्रिटी, आपका डेटा अपने आप में सही होना चाहिए, उसमें कोई खामी या कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरा आपका अवेलेबिलिटी, जब हमें जरूरत पड़े जिसको जो जरूरी लोगों को, ऐसा कि किसी को भी अवेलेबल ना हो जाए, तभी तो कॉन्फिडेंशियलिटी है, जरूरी लोगों को वो उपलब्ध भी हो। तो सही आंसर है ए कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो बेटा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्हाट इज अ स्मार्ट फैक्ट्री। स्मार्ट फैक्ट्री क्या होता है? स्मार्ट फैक्ट्री में फैक्ट्रीज एंड लॉजिस्टिक सिस्टम्स that will operate and organize themselves without human interaction। यानी कि ऐसी फैक्ट्री और लॉजिस्टिक सिस्टम जिसमें बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के भी अपने काम कर पाएंगे, यहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम या ना के बराबर होगा। दूसरा रोबोट्स who will replace people। देखिए रोबोट्स इसलिए नहीं बनाए जाते कि पीपल को हटा दिए जाए, रोबोट्स इसलिए बनाए जाते हैं कि हमारे काम को ऑटोमेट किया जा सके, खुद ब खुद किया जा सके, निर्णय भी वो खुद ले सके, वहाँ पे ह्यूमन को हटाने की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट बोथ ए एंड बी एंड सी डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ए, रोबोट्स को हटाने का इसका उद्देश्य नहीं है। तो सही आंसर है ए फैक्ट्रीज एंड लॉजिस्टिक सिस्टम्स दैट विल ऑपरेट एंड ऑर्गेनाइज themselves without human interactions। आखिरी प्रश्न चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के। हमारा पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट। इनमें से कौन सा कंप्यूटर के सिक्योरिटी से रिलेटेड जोखिम है? पहला सॉलिसिटिंग, दूसरा स्टॉकिंग, तीसरा DOS अटैक, डी ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए सारे सॉलिसिटिंग मतलब किसी को जबरदस्ती सलाह देना, किसी को पुश करना, ये एक तरह का सिक्योरिटी को थ्रेट है। दूसरा स्टॉकिंग, किसी का जबरदस्ती पीछा करना, जबरदस्ती उसके उसको परेशान करना, दैट इज स्टॉकिंग, इट इज ऑल्सो थ्रेट। डॉस अटैक ये भी एक तरह का सिक्योरिटी थ्रेट है। इसका सही आंसर होना चाहिए डी ऑल ऑफ द अबव। ये थे हमारे 10 MCQ के क्वेश्चंस। अगली कैटेगरी में चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की तरफ। हमें कथन दिए होंगे, आपको बताना है वो सत्य है अथवा असत्य है। पहला क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स ऑनलाइन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑनलाइन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट टूल्स और प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट उपलब्ध कराता है, ये ट्रू है। सही आंसर इसका ट्रू। IIoT स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बिल्कुल सही है, IIoT का सही फॉर्म है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आंसर इज ट्रू। तीसरा क्वेश्चन IoT स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी ट्रू है। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया इज मोर बेस्ड ऑन इमेजेस एंड वीडियोस, ये भी सही है। ये बेसिकली इमेजेस और वीडियोस पे ही आधारित सोशल मीडिया नेटवर्किंग मीडिया है, तो ये भी आंसर ट्रू है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
Objective of Industrial Revolution 4.0 is to increase efficiency. बिल्कुल सही. जो चौथा इंडस्ट्रियल है 4.0 जिसे हम कहते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है हमारे उत्पादकता को बढ़ाना. राइट right? तो सही आंसर है क्या? ट्रू. Microsoft Azure is an example of public cloud. Yes, it is true. In the smart factory, workers, machine and resources communicate easily. ये भी true है. तो सही answer है ये. तो इसका answer हो गया true. Blockchain was invented by a person named Satoshi Nakamoto in 2008 to serve as public transaction ledger of the cryptocurrency Bitcoin. Bitcoin के लिए ही इसको develop किया था जापान के सातोशी नाकामोटो ने 2008 में. और ये public transaction ledger system पे आधारित cryptocurrency है. तो ये answer भी हमारा true है. Low cost and fast speed is a benefit of cloud computing. ये भी true है. A blockchain carries no transaction cost. यहां पे थोड़ा सा doubt हो सकता है कि यहां पर हमारे blockchain transactions पे आमतौर पे कोई cost नहीं होता. But जो लोग यहाँ पे अप्रूव करते हैं किसी ट्रांजैक्शन को, वेरीफाई करते हैं, उनको कुछ मिलता है और ये उन्हीं में से थोड़ा थोड़ा निकाल के बनता है. बट ये नाम मात्र को होता है तो हम इसको ट्रू मान सकते हैं. इसका सही आंसर ट्रू होना चाहिए. चलिए ये हुआ दूसरा सेक्शन. तीसरे सेक्शन की ओर चलते हैं. मैच द कॉलम्स पे. हमारा मैच द कॉलम्स में एक्स और वाई दो दिया होगा कॉलम्स. वाई में हमारे पास विकल्प होंगे 13 और एक्स में होंगे 10 क्वेश्चन. तो सही मैचिंग करना है. पहले विकल्प पढ़ लेते हैं. फिशिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फेसबुक, ट्विटर, ऑक्यूलस रिफ्ट, ऑक्यूलस वीआर एंड फेसबुक, ट्रेंड माइक्रो, साइबर सिक्योरिटी, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, साइबर सिक्योरिटी, प्राइवेट की एंड सेकेंड पब्लिक की, पर्सनल सिक्योरिटी, थ्रेट और आखिरी है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. अब चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं. पहला क्वेश्चन, विच सोशल मीडिया इज मोर बेस्ड ऑन मोबाइल डेस्कटॉप. इनमें से कौन सा सोशल मीडिया मोबाइल के ऊपर आधारित है? तो इसमें फेसबुक और ट्विटर, ये दोनों हमारे इसमें आते हैं. तो इसका सही आंसर होना चाहिए सी. नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्क. अब इसमें सोशल नेटवर्क के एग्जाम्पल हमारा फेसबुक और ट्विटर भी है और इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम भी है. तो जो हमारा पहला आंसर है, मेरे ख्याल से फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ज्यादा इसके लिए सही है. तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे हम दे देते हैं एच. मोबाइल पे ज्यादा आधारित है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. हमारा सोशल नेटवर्क का एग्जांपल है हमारा फेसबुक, ट्विटर वगैरह, तो इसको हम दे देते हैं बी, सॉरी सी. आंसर इज सी. Who are the major players in virtual reality? Virtual reality के जो मुख्य निर्माता कंपनी या प्रोडक्शन कंपनीज कौन कौन सी हैं या उपयोग करने वाली कंपनीज कौन कौन सी हैं? वो है आपका Oculus Rift, Oculus VR and Facebook. तो सही आंसर है डी. अगला क्वेश्चन, Dash protects the data and integrity of computing assets belonging to or connecting to organization's network. ये है आपका साइबर सिक्योरिटी यानी कि F. Which is a mobile social network? ये हमारा G, ये प्योर हमारा
मोबाइल पे आता है। नेक्स्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ट्रेंड माइक्रो हमारा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर आ गया ई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल सिग्नेचर डेवलप टू टाइप्स ऑफ की, वन ये पब्लिक और प्राइवेट कीज होते हैं, दो होते हैं, तो ये जे आंसर इसका होना चाहिए, जे। डैश इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक, इनमें से कौन सा साइबर अटैक है, फिशिंग, फिशिंग एक तरह का साइबर अटैक है जिसमें यूजर प्रलोभन दे करके या गलत इरादे, गलत जानकारी दे करके आपसे इंफॉर्मेशन चुराता है, आपसे आपका पासवर्ड जानने की कोशिश करता है, दैट इज योर फिशिंग। तो सही आंसर है ए। डैश अलाउज टू इंटरैक्ट एंड एक्सचेंज डेटा विद डिवाइसेस, ये आपका IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि बी, इसका सही आंसर होगा बी। अटैक्स ऑन इंटीग्रिटी इज अ टाइप ऑफ, इंटीग्रिटी पे जो हम अटैक करते हैं वो क्या है, एक तरह का थ्रेट है, तो सही आंसर है एल। तो ये हमारा मैच द कॉलम्स वाला हुआ। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, दैट इज चौथा प्रश्न, दैट इज योर फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमारे पास 13 विकल्प दिए हुए, उनमें से चूज करके हमें 10 फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। हम पहले विकल्प को पढ़ लेते हैं, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी, एंटीवायरस, स्पाईवेयर, वर्चुअल रियलिटी, 6 रोबोटिक्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंस्टाग्राम, बिग डेटा, डिसकनेक्टेड IT सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आखिरी है ऑगमेंटेड रियलिटी। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो प्रश्न है पहला, एनक्रिप्शन टेक्निक्स इम्प्रूव नेटवर्क्स, जब आप इंक्रिप्शन टेक्निक यूज करते हैं तो नेटवर्क की सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए सिक्योरिटी, तो यहां पे होगा सिक्योरिटी यानी कि बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, डैश मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी ऑन इंटरनेट एंड ट्रांसमिट्स दैट इंफॉर्मेशन इन बैकग्राउंड टू समवन एल्स, ये हमारे इंटरनेट पे हमारी एक्टिविटी को मॉनिटर करता है और बैकग्राउंड में हमारी इंफॉर्मेशन को उठा करके वो अपने किसी और को भेजता है, तो ये है स्पाईवेयर, स्पाईवेयर हमारा डी है, तो इसका सही आंसर हो गया स्पाईवेयर। तीसरा क्वेश्चन, मैकेफी इज अ टाइप ऑफ, इज एन एग्जांपल ऑफ, ये एंटीवायरस है, तो इसका सही आंसर है सी यानी कि एंटीवायरस। इसका सही आंसर हो गया एंटीवायरस यानी कि सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, द मेन गोल्स ऑफ सिक्योर कंप्यूटिंग इज, सिक्योर कंप्यूटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता, हम नहीं चाहते कि हमारा डेटा किसी और के हाथ लगे, इसका सही आंसर होना चाहिए कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि एच, कॉन्फिडेंशियलिटी, तो सही आंसर है कॉन्फिडेंशियलिटी। अगला प्रश्न, डैश इंश्योर्स दैट अनऑथराइज्ड यूजर्स डू नॉट एक्सेस द सिस्टम, अनऑथराइज्ड पर्संस को सिस्टम यूज करने की परमिशन ना दिया जाए, ये हम करते हैं एक्सेस कंट्रोल के थ्रू, तो सिस्टम एक्सेस कंट्रोल का सही आंसर है ए, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल्स, SAC। अगला प्रश्न, डैश एंड ऑगमेंटेड रियलिटी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, ये दोनों ही हमारे क्या है, एक तरह के एक ही चीज के दो पहलू हैं, हालांकि थोड़ा सा फर्क जरूर है, तो सही आंसर है वर्चुअल रियलिटी। डैश इज ऑल्सो अ मेजर फील्ड रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित ये भी एक बहुत ही मुख्य फील्ड है। अब इसमें देखिए क्या है, देखिए सिस्टम एक्सेस कंट्रोल हो नहीं सकता, सिक्योरिटी हो नहीं सकता, एंटीवायरस हो नहीं सकता, स्पाईवेयर हो नहीं सकता,
वर्चुअल रियलिटी नहीं होगा, सिक्स रोबोटिक्स हमारा क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा रोबोटिक्स। चलिए आगे बढ़ा जाए। डैश डिजाइन प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड टू इंडस्ट्री 4.0। देखिए इंडस्ट्री 4.0 के डिजाइन में हमारे पास 6 प्रिंसिपल्स होते हैं, तो वही 6 डिजाइन प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है, तो ये इसका सही आंसर होगा 6 यानी कि F। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डैश सोशल मीडिया इज मोर बेस्ड ऑन मोबाइल कंपेयर्ड मोबाइल और एज कंपेयर टू डेस्कटॉप। मोबाइल पे ज्यादा ये यूज होता है डेस्कटॉप से, वो है आपका इंस्टाग्राम यानी कि आई। और आखिरी क्वेश्चन, अ टिपिकल एंटरप्राइजेस यूजेस मल्टीपल डैश टू रन इट्स ऑपरेशन। टिपिकल एंटरप्राइज कई प्रकार के डैश यूज करता है अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए। इसका सही आंसर होगा अगर एंटरप्राइज मल्टीपल और डिसकनेक्टेड आईटी सिस्टम होना चाहिए, जो कि दूसरों से दूर रहे, जिससे कि डेटा हमारा वहां पे लीक ना हो। इसका सही आंसर है के यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिसकनेक्टेड आईटी सिस्टम्स। तो दोस्तों ये हमारे सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे, इसके एक्सप्लेनेशन से भी संतुष्ट होंगे। अगर आपको कहीं लगता है कि और एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता थी तो आप कमेंट करके बताएं, अगले उस पर हम इसको और सुधारने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से हम आपसे आग्रह करते हैं कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमको और प्रेरणा मिले अपने नए नए वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें, और अगर नहीं अच्छा लगे डिसलाइक भी कर सकते हैं, और साथ में अगर कमेंट करके बताएं कि क्यों नहीं अच्छा लगा तो हम उसे इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इसके साथ ही हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।